आईएस वीडियो आपको पेश कर रहा है दैनिक करंट अफेयर्स का विश्लेषण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में अधिनियम में संशोधन शुरू करने की चाहत रखती है। NHRC क्या है? इसे दांतहीन बाघ क्यों कहा जाता है? मानवाधिकार संरक्षण PHR अधिनियम 1993 में महत्वपूर्ण कमियां क्या हैं? NHRC के प्रभावी कामकाज के लिए क्या बदलाव लाए जाने चाहिए? क्या ये सुधार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच में देश की प्रतिष्ठा को बचाता है? GS पेपर 2 वैधानिक नियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। इस वीडियो में आप सभी उपरोक्त प्रश्नों के लिए विस्तृत उत्तर पा सकते हैं। उपरोक्त लेख से प्राप्त किया गया है। जो हम प्रदान कर रहे हैं वह पूर्ण वीडियो में से केवल 10% नमूना है। हमारी वेबसाइट www.hindi.isvideos.com पर जाएं और सभी वीडियो देखने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल हों। ये किस संदर्भ में है? इस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है। आयोग जो मानवाधिकार संरक्षण PHR अधिनियम 1993 से अपना जनादेश खींचता है को इसके गठन के बाद से विवादों में फेंक दिया गया है। चूंकि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में अधिनियम में संशोधन शुरू करने की कोशिश करती है, NHRC एक बार फिर से लैंडस्लाइड आ रहा है। संशोधन विधेयक इस देश में मानवाधिकार संस्थानों को मजबूत करने का इरादा रखता है। NHRC क्या है? NHRC मानवाधिकार अधिनियम 1993 के संरक्षण नामक एक कानून द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कमीशन देश में मानवाधिकारों की निगरानी है जिसे संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है या अंतर्राष्ट्रीय करारों में शामिल किया जाता है और भारत में अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। इसे अक्सर दांतहीन बाघ क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि NHRC मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, कभी कभी दूरस्थ क्षेत्रों में बहुत सीमित संसाधनों के साथ। एकत्रित साक्ष्य अपने अध्यक्ष और सदस्यों जो पूर्व न्यायाधीश हैं द्वारा फोरेंसिक न्यायिक निर्णय में डाल दिया जाता है, लेकिन अंत में जब NHRC एक खोज में आता है तो ये केवल उपचारात्मक उपायों की सिफारिश कर सकता है या संबंधित राज्य को मुआवजे का भुगतान करने के लिए निर्देश कर सकता है। मानवाधिकार संरक्षण PHR अधिनियम 1993 में महत्वपूर्ण कमियां क्या हैं? NHRC की सिफारिशें ग्राउंड लेवल पर नहीं आती क्योंकि NHRC के पास अधिकारियों को दंडित करने के लिए मानवाधिकार अधिनियम के संरक्षण का समर्थन नहीं है जो अपने आदेशों को लागू नहीं करता है। ये अधिनियम जम्मू कश्मीर तक नहीं बढ़ाया गया है और इसलिए कमीशन को अपनी आंखों को मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए बंद रखना है। कानून निजी पार्टियों के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन के दौरान NHRC को कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त नहीं करता है। अधिनियम के लिए आवश्यक है कि मानवाधिकार आयोग के 5 सदस्यों में से 3 सदस्यों को पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए, लेकिन ये निर्दिष्ट नहीं करता कि क्या इन न्यायाधीशों के पास मानवाधिकार सक्रियता या विशेषज्ञता या क्षेत्र में योग्यता का एक सिद्ध रिकॉर्ड होना चाहिए। अन्य 2 सदस्यों के बारे में अधिनियम स्पष्ट है, केवल ये कह रहा है व्यक्तियों के पास ज्ञान और मानव अधिकारों का अनुभव है। NHRC के प्रभावी कामकाज के लिए क्या बदलाव लाए जाने चाहिए?
कमीशन की प्रभावशीलता को काफी बढ़ाया जाएगा यदि उनके निर्णय तुरंत सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। ये काफी समय और ऊर्जा बचाएगा क्योंकि आयोगों को सरकार को कार्रवाई करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सिफारिशों को लागू करने के लिए या वैकल्पिक रूप से उच्च न्यायालयों तक पहुंचने के लिए सरकारी विभागों को अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। आंतरिक संघर्षों वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं। NHRC को सैन्य और सुरक्षा बलों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से शिकायतों की जांच करने की अनुमति नहीं दे रही है। NHRC को उचित अनुभव के साथ कर्मचारियों के एक स्वतंत्र कैडर विकसित करने की जरूरत है। विभिन्न सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर उन लोगों पर जवाब देने की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है क्योंकि अनुभव से पता चला है कि अधिकांश के पास मानवाधिकार के मुद्दों के बारे में बहुत कम ज्ञान और समझ है। शिकायतों के भारी प्रवाह को दूर करने में मदद के लिए विशेष रूप से भर्ती और योग्य कर्मचारियों को नियोजित करके इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में मानवाधिकार शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को देखते हुए कि समाज कई उल्लंघनों और शक्तियों के दुरुपयोग के साक्षी है और इन अन्यायों से लड़ने के लिए लोगों की क्षमता सीमित है, लोगों के बीच मानवाधिकार संस्कृति को लागू करने की रणनीति को कई कारकों पर आधारित होना चाहिए। सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, न्यायिक और संस्थागत। क्या ये सुधार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच में देश की प्रतिष्ठा को बचाता है? 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों पर पेरिस सिद्धांतों को अपनाया। इसने लगभग हर देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के संविधान का नेतृत्व किया। हर 5 साल भारत की मानवाधिकार एजेंसी NHRC को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR से संबद्ध एजेंसी द्वारा प्रमाणीकरण करना पड़ता है। आयोग की पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन इस प्रक्रिया में किया गया है जो भारतीय कॉलेजों के NIC प्रमाणीकरण के समान है, ग्रेट बेहतर लाभाधिक है। इस प्रकार अगर भारत को इस स्टेटस मिलता है तो NHRC, UNHRC और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निकायों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।